गाइस, आज हम होंडा एलिवेट ZX सीवीटी वेरिएंट और किया सेल्टॉस STX 1.5 पेट्रोल सीवीटी वेरिएंट इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। एक्सेलरेशन की बात करी जाए तो किया का हमारा 9.8 सेकंड है 0 to 100। इंजन की बात करी जाए तो होंडा में हमें 1498 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है DOHC टाइप का, और किया में हमें 1497 सीसी का 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन मिलता है DOHC टाइप का। दोनों ही गाड़ियाँ हमारी पेट्रोल टाइप हैं। होंडा में हमें 1.5 लीटर का IVTEC VTC इंजन मिलता है और किया में हमें G1.5 MPI इंजन मिलता है। मैक्स पावर की बात करी जाए तो होंडा का इंजन हमारा 119 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6600 RPM पे, और किया का इंजन हमारा 113 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 6300 RPM पे। मैक्स टॉर्क की बात करी जाए तो होंडा का इंजन हमारा 4300 RPM पे 145 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है, और किया का इंजन 4500 RPM पे 144 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। ARAI माइलेज की बात करी जाए तो होंडा हमारा 16.92 KMPL का देती है और किया 17.7 KMPL का। ड्राइव टाइप हमारा दोनों ही गाड़ियों का फ्रंट व्हील ड्राइव टाइप है। ट्रांसमिशन की बात करी जाए तो होंडा में और किया में दोनों ही गाड़ियों में हमें ऑटोमेटिक मिलता है सीवीटी गियर्स के साथ में, और पैडल शिफ्ट का फीचर भी मिलता है। होंडा में आपको स्पोर्ट्स मोड मिलता है और किया में आपको मैनुअल ओवरराइड भी मिलता है। एमिशन स्टैंडर्ड दोनों गाड़ियों का BS6 Phase 2 है। दोनों ही गाड़ियों में आइडल स्टार्ट स्टॉप मिल जाएगा। डायमेंशंस की बात करी जाए तो किया हमारी थोड़ी सी लेंथ में ज़्यादा है, विड्थ में भी थोड़ी सी ज़्यादा है, और हाइट में लगभग सेम है, थोड़ी सी कम है हमारी होंडा से। व्हील बेस हमारा होंडा का 2650 mm है और किया का 2610 mm है। ग्राउंड क्लियरेंस होंडा का 220 mm है और किया का 190 mm है। कर्व वेट की बात करी जाए तो 1206 kg है हमारा होंडा का और 1222 kg है हमारा किया का। सीटिंग कैपेसिटी दोनों गाड़ियों की 5 है। दोनों ही गाड़ियों में 2 रोज हैं। बूट स्पेस हमारा होंडा का 458 लीटर है और किया का 433 लीटर है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी हमारी होंडा की 40 लीटर है और किया की 50 लीटर है। दोनों गाड़ियों में हमें फ्रंट में मैक्सफेशियल स्टड मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। रियर में हमें होंडा में टॉर्शन भी मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में, और किया में हमें कपल टॉर्शन भी मैक्सल मिलता है कॉइल स्प्रिंग के साथ में। दोनों ही गाड़ियों में हमें फ्रंट में डिस्क ब्रेक टाइप मिलते हैं, और रेयर की बात करी जाए तो होंडा में हमें ड्रग मिलता है और किया में हमें डिस्क ब्रेक मिलता है। स्टेयरिंग हमें दोनों गाड़ियों में पावर असिस्टेड इलेक्ट्रिक स्टेयरिंग मिलती है। व्हील्स हमें दोनों में अलॉय व्हील्स मिलते हैं, स्पेयर व्हील दोनों में ही स्टील मिलते हैं। टायर्स की बात करी जाए तो हमें होंडा में फ्रंट और रेयर दोनों में 215 mm विड्थ के 55 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं, और किया में हमें फ्रंट और रेयर दोनों में 215 mm विड्थ के 60 एस्पेक्ट रेशियो के 17 इंच के टायर्स मिलते हैं। नई गाड़ियों में हमें एक बीप मिलती है 80 mph के ऊपर और कंटिन्यूस बीप मिलती है 120 के ऊपर। लेन डिपार्चर वार्निंग हमें होंडा में मिलता है, किया में नहीं मिलता है। इमरजेंसी ब्रेक लाइट फ्लैशिंग होंडा में नहीं मिलती है, किया में मिलती है। फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और हाई बीम असिस्ट हमें होंडा में मिलता है, किया में ये तीनों फीचर नहीं मिलते हैं। ग्लोबल एनकैप रेटिंग की बात करी जाए तो किया हमारी 3 स्टार है। लेन डिपार्चर प्रिवेंशन की बात करी जाए तो होंडा में मिलता है, किया में नहीं मिलता है। एयरबैग दोनों गाड़ियों में 6 मिलते हैं। रेयर मिडल 3-पॉइंट सीट बेल्ट, रेयर मिडल हेडरेस्ट, TPMS, चाइल्ड सीट एंकर पॉइंट्स और सीट बेल्ट वार्निंग हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाती है। ABS, EBD, ब्रेक असिस्ट, ESP, हिल होल्ड कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल, ये सारी चीज़ें हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। हिल डिसेंट कंट्रोल हमें होंडा में नहीं मिलता है, किया में मिल जाता है। इंजन इमोबिलाइजर, स्पीड सेंसिंग डोर लॉक, चाइल्ड सेफ्टी लॉक हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। सेंटर लॉकिंग दोनों में कीलेस मिलती है। AC हमें दोनों में मिलता है। फ्रंट AC की बात करी जाए तो होंडा में हमें सिंगल जोन कॉमन फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में आता है, जबकि किया में 2 जोन इंडिविजुअल फैन स्पीड कंट्रोल के साथ में। रेयर AC की बात करी जाए तो हमें दोनों गाड़ियों में वेंट्स मिल जाती हैं आर्मरेस्ट के पीछे, और होंडा में हमें ब्लोअर भी मिलता है। हीटर हमें दोनों में मिलता है। वैनिटी मिरर्स और सनवाइजर्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें ड्राइवर और को ड्राइवर दोनों के लिए मिलता है, पर किया में हमें सिर्फ को ड्राइवर के लिए मिलता है। केबिन बूट एक्सेस हमें दोनों में मिलता है। एंटी ग्लेयर मिरर्स की बात करी जाए तो दोनों में मिलते हैं, पर होंडा में हमें इलेक्ट्रॉनिक मिलते हैं और किया में हमें मैनुअल मिलते हैं। पार्किंग असिस्ट हमें दोनों में मिलता है। पार्किंग सेंसर्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें रियर में और किया में फ्रंट। क्रूज कंट्रोल
हमें दोनों में मिलता है, हेडलाइट और इग्निशन ऑन रिमाइंडर हमें दोनों में मिलता है, कीलेस स्टार्ट स्टॉप बटन हमें दोनों में मिलता है, स्टीयरिंग एडजस्टमेंट हमें टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों में मिलता है। 12 वोल्ट पावर आउटलेट्स की बात करी जाए तो होंडा में 3 मिलते हैं और किया में 1 मिलता है हमें बस। फाइंड माई कार, चेक व्हीकल स्टेटस वाया ऐप, जियो फेंसिंग, इमरजेंसी कॉल, OTA अपडेट्स, रिमोट AC ऑन ऑफ वाया ऐप, रिमोट कार लॉक अनलॉक वाया ऐप हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं, रिमोट सनरूफ ओपन क्लोज वाया ऐप हमें होंडा में मिलता है, किया में नहीं मिलता है, कार लाइट फ्लैशिंग एंड हॉन्किंग वाया ऐप और एलेक्सा कंपैटिबिलिटी हमें दोनों गाड़ियों में मिलती है। ड्राइवर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में हमें 8-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है और फ्रंट पैसेंजर सीट एडजस्टमेंट दोनों गाड़ियों में 6-way मैनुअली एडजस्टेबल मिलता है। रियर रो सीट एडजस्टमेंट की बात करी जाए तो होंडा में 2-way मैनुअली एडजस्टेबल और किया में 4-way। सीट अपहोल्स्ट्री दोनों का लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील हमें किया में नहीं मिलता है, होंडा में मिलता है, लेदर रैप्ड गियर नॉब भी हमें किया में नहीं मिलता है, होंडा में मिलता है, ड्राइवर आर्मरेस्ट दोनों में मिलता है, रियर पैसेंजर सीट दोनों में ही बेंच, इंटीरियर कलर्स दोनों में ही ड्यूअल टोन मिलते हैं हमें, होंडा में ब्राउन और ब्लैक और किया में ब्लैक और बीच कलर ऑप्शन। रियर आर्मरेस्ट हमें दोनों में मिल जाता है कप होल्डर्स के साथ में। फोल्डिंग रियर सीट की बात करी जाए तो किया में हमें फुल मिल जाती है। स्प्लिट रियर सीट हमें दोनों गाड़ियों में 60-40 स्प्लिट के साथ में मिलती है। फ्रंट सीट बैक पॉकेट दोनों में मिलते हैं। हेडरेस्ट दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। कप होल्डर्स की बात करी जाए तो दोनों गाड़ियों में फ्रंट और रियर में मिल जाते हैं। ड्राइवर आर्मरेस्ट स्टोरेज दोनों में मिल जाता है, कूल ग्लव बॉक्स दोनों में नहीं मिलता है। सनग्लास होल्डर हमें होंडा में नहीं मिलता है, किया में मिल जाता है, ठीक है। ORVMs हमें दोनों गाड़ियों में बॉडी कलर्ड मिलते हैं। स्कफ प्लेट्स हमें होंडा में नहीं मिलती हैं, या में मेटेलिक स्कफ प्लेट्स मिलती हैं। पावर विंडोज फ्रंट और रियर दोनों में दोनों गाड़ियों में मिलती हैं। वन टच अप और वन टच डाउन दोनों गाड़ियों में हर सीट्स के लिए मिलता है। एडजस्टेबल ORVMs हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। टर्न इंडिकेटर्स ऑन ORVMs, रियर डिफॉगर और रियर वाइपर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है। एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की बात करी जाए तो होंडा में हमें क्रोम फिनिश के साथ में मिलते हैं और किया में बॉडी कलर्ड मिलते हैं। रेन सेंसिंग वाइपर्स में हमें होंडा में मिल जाते हैं, किया में नहीं मिलते हैं। इंटीरियर डोर हैंडल्स होंडा में क्रोम फिनिश के साथ में और किया में सिल्वर फिनिश के साथ में मिलते हैं। डोर पॉकेट्स फ्रंट और रेयर में दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। साइड विंडो ब्लाइंड्स हमें होंडा में नहीं मिलती हैं, किया में हमें रेयर में मैनुअल मिलती हैं। बूट लिड ओपनर हमें दोनों गाड़ियों में मिलता है इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज फीचर के साथ में। रेयर विंडशील्ड बाइंड दोनों में मैनुअल मिलता है। सनरूफ हमें दोनों में मिलती है, होंडा में इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और किया में पैनोरामिक सनरूफ। रूफ माउंटेड एंटीना हमें दोनों में मिलता है। बॉडी कलर्ड बम्पर दोनों में मिलते हैं। क्रोम फिनिश एग्जॉस्ट पाइप हमें दोनों में नहीं मिलता है। बॉडी किट दोनों में नहीं मिलती है। रब स्ट्रिप्स हमें होंडा में नहीं मिलती है, किया में ब्लैक कलर की मिलती है। हेडलाइट्स हमें दोनों गाड़ियों में LED मिलती है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स फॉलोइंग होम हेडलैम्प्स हमें दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। टेल लाइट्स और डे टाइम रनिंग लाइट्स और फॉग लाइट्स ये तीनों चीज़ें हमें LED मिलती हैं दोनों गाड़ियों में। एम्बियंट इंटीरियर लाइटिंग की बात करी जाए तो होंडा में हमें फुटवेल लैंप्स मिल जाते हैं। पर्डल लैंप्स हमें दोनों में नहीं मिलते हैं। कैबिन लैंप्स फ्रंट और रियर में दोनों गाड़ियों में मिलते हैं। लाइट्स ऑन वैनिटी मिरर्स की बात करी जाए तो होंडा में ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए मिल जाते हैं, किया में नहीं मिलते हैं। रियर रीडिंग लैंप और हेडलाइट हाइट रजिस्टर दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। इंस्टेंटेनियस फ्यूल कंजम्पशन दोनों में मिलता है। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर हमें दोनों गाड़ियों में एनालॉग डिजिटल का कॉम्बिनेशन मिलता है। ट्रिप मीटर हमें दोनों में इलेक्ट्रॉनिक मिलता है 2 trips के साथ में। एवरेज फ्यूल कंजम्पशन, एवरेज स्पीड, डिस्टेंस टू MT दोनों में मिलता है। क्लॉक हमें दोनों गाड़ियों में डिजिटल मिलती है। लो फ्यूल लेवल वार्निंग, डोर अजार वार्निंग, एडजस्टेबल क्रस्टर ब्राइटनेस और गियर इंडिकेटर हमें दोनों गाड़ियों में मिल जाता है। शिफ्ट इंडिकेटर हमें दोनों गाड़ियों में नहीं मिलता है। टेकोमीटर हमें दोनों गाड़ियों में एनालॉग मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले का सपोर्ट मिल जाता है। हमें टच स्क्रीन डिस्प्ले मिलता है 10.25 इंच का दोनों गाड़ियों में। होंडा में हमें 8 स्पीकर्स मिलते हैं और किया में हमें 6 स्पीकर्स मिलते हैं। दोनों ही गाड़ियों में हमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, वॉइस कमांड, GPS, फोन और ऑडियो स्ट्रीमिंग, ऑक्स कंपैटिबिलिटी, FM रेडियो, USB कंपैटिबिलिटी ये सारे फीचर्स मिल जाते हैं। वायरलेस चार्जर हमें होंडा में मिलता है, किया में नहीं मिलता है। दोनों ही गाड़ियों में हमें 3 साल या अनलिमिटेड किलोमीटर्स की वारंटी मिलती है। कलर्स आप देख सकते हैं। आपका अगर इन दोनों गाड़ियों में से कोई भी गाड़ी लेना फाइनल होता है तो मेरी वीडियो या किसी और
यूट्यूबर की यूट्यूब में वीडियो देख के या कोई और वीडियो देख के आप प्लीज़ फाइनल मत करिए, आप एक बार शोरूम में जाइए और वहाँ पे भी चेक करिए गाड़ी को, क्योंकि कुछ माइनर चेंजेस या अपडेट्स कंपनी की तरफ से कुछ कुछ टाइम में आते रहते हैं जो कि यूट्यूब वीडियो में अपडेट नहीं कर सकते।